मास ऑफ अर्थ लिखो, मास ऑफ अर्थ लिखना 6 × 10^24 केजी, मास ऑफ सन लिखो, मास ऑफ सन लिखो 2 × 10^30 केजी, मास ऑफ सन लिखो 2 × 10^30 केजी, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन लिखो 1.5 × 10^10 15 meters. 15. 1.5. मैं बस चेक कर लेती हूँ। बस ना क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना। Excuse me. हाँ करो। तो हम लोग पहले मास ऑफ अर्थ लिखा कितना, 6 × 10^24 केजी। मास ऑफ सन अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 2 × 10^30। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन कितना दिया हुआ था, 1.5 × 10^12 मीटर। आ रही के बाद समझ में। तो फोर्स कितना हुआ, जी एम वन एम टू अपॉन में डी स्क्वायर। इस सारी वैल्यू उसको रख के जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमेशा क्या करोगे, तुम्हारा धर्म बनता है कि एक्सपोनेंट्स को उससे अलग कर दो। यहाँ ले लो के 6.67 × 6 × 2 × 10^-11 + 24 + 30 अपॉन में 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 10^24। ये 24 भी न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, 6.67 × 10^-11 + 24 + 30 − 24 upon 2.25। हाँ कि नहीं? अब सुनो, 2 6 × 12 होता है, तो 2.25 6 × 6 से थोड़ा कम होगा। क्या यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन, क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा 2.25 × 3 करते तो क्या आता, अप्रोक्सीमेटली 6.75 आता, हाँ कि नहीं? तो इसको वन टाइम लिया, इसको थ्री लिया, अप्रोक्सीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 10^24। 24 से 24 तो गया, 30 − 11 करोगे तो कितना जाएगा, 19, हाँ कि नहीं? तो ये जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा, 36 × 10^9 लिखेंगे ना। क्यों लिखना जरूरी है बेटा, देखो पूरा मल्टीप्लाई करना जाओगे तो ये कहानी कब करना, जब पूरा पेपर हो जाए और एक बार चेक कर लो, नहीं भी तो फॉर्मूले के तो नंबर मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन के भी नंबर मिलेंगे। आ रही है क्या, नहीं समझ में बात, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग को कभी पूरा सॉल्व करने में लग रहा है कि बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन लो, फटफट फटफट सॉल्व करो और फिर कहानी आगे बढ़ाओ। इज दैट क्लियर? चलो इसको छापने के पहले पहले एक क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एग्जैक्ट में 31.57 है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, ऑफ मासेस
ऑफ मास इज 1000 kg एंड 2000 kg kept at a distance of masses 1000 kg and 2000 kg kept at a distance of चार मीटर 2 meters करो फटाफट ट्राई से क्वेश्चन में तुम लोग को M1 का वैल्यू कितने दिया हुआ था अगर थोड़ा सा याद हो तो M1 दिया हुआ था 1000 kg ठीक है M2 कितना दिया हुआ था 2000 kg ठीक है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 2 meters G की वैल्यू अब तक मेरे हिसाब से तुम्हें याद हो गई होगी 6.67 into 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक है ना अब सुनो F is equals to कितना होगा G M1 M2 upon में कितना D square which is equals to 6.67 into 10^-11 into 1000 into 2000 अपॉन में कितना 2 का स्क्वायर इज 4 ठीक है ना अब कुछ भी नहीं करना था ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना अब ध्यान से देखो है ना 2 1s are 2 2 3s are 6 3 6 6 आई बात समझ में तो ये हो जाएगा कितना 3.33 into 10^-11 plus 6 So 3.33 into 10^-5 newton. This should be your force. Is that clear to everyone? Standard formula.